हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग पॉजिटिव। तो कल जो रिज़ल्ट आया है IBPS क्लर्क IBPS PO का, काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा एंड काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा। बिकॉज कुछ लोगों के, आई पर्सनली नो सम पीपल जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे मेंस में, स्टिल दे कुड नॉट गेट इन टू दी फाइनल लिस्ट, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि एक पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आगे भी नहीं होगा। ये वाली चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रही है तो प्लीज़ इसको बाहर निकाल दो। ये सच है कि जब हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलता है हम काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। लास्ट ईयर मैं भी फेल हुई थी एंड मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि इंटरव्यूज़ दे रहे हैं हम, मेंस लिख रहे हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लिस्ट से बाहर हो जा रहे हैं। तो ये हमें बुरा लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस उन्हीं बातों में अपना वक्त ज़ाया कर दें। तो ये सारी चीज़ें नहीं, कल का दिन था, हो गया, अब नया दिन है, नई अपॉर्चुनिटी की ओर हमें बढ़ना है। अभी सबसे पहले जो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है SBI क्लर्क की, एंड बहुत सारे लोग इसमें फोकस करने वाले हैं एंड बहुत सारे लोगों का टारगेट है SBI क्लर्क 2022। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप अब आगे आने वाले मंथ्स में थोड़ा अपस्केल करना चाहते हैं अपने स्किल्स को, अपने सब्जेक्ट को, अपने किसी सेक्शन को, तो अभी ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। इस टाइम अगर आप बहुत अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो ये आपको आगे आने वाले हर एग्जाम में काम आने वाली है। तो हम यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात करेंगे। अगर आपने ये गलती की है कि लास्ट ईयर आपने सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ा था और मेंस पे ध्यान नहीं दिया था, तो इस बार आप वो गलती ना करिएगा। यहाँ पर हम दोनों एस्पिरेंट्स की बात करेंगे, एक वो जो बिल्कुल बिगिनर हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि अब बैंक एग्जाम की तैयारी करनी है, और एक वो जिन्होंने ऑलरेडी पेपर दे रखे हैं, जिन्होंने फेलियर देख रखा है। तो हमारे पास दोनों तरीके के स्टूडेंट्स हैं एंड यहाँ पर हम चलते हैं टू डू लिस्ट पे डे वन पे। तो मैं आपको 10 to 15 डेज का शेड्यूल दूंगी एंड आई वुड लाइक टू से कि आप भी ऐसी ही किसी कॉपी में या फिर किसी डायरी में आप अपने टारगेट्स लिखिए। जैसे आपको ये टारगेट्स मिलेंगे, आपको ये टारगेट्स लिखने हैं अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी कॉपी में, अपने तरीके से, एंड उसमें फिर आपको चेकबॉक्स बनाना है। जैसे हम यहाँ पर रीजनिंग में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यू आर बिगिनर, तो यहाँ पर आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज उठानी है सबसे पहले और आपको इसकी वीडियो देखनी है। ट्रिक्स की वीडियोस आप यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च करिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो एटलीस्ट 1 to 2 hours आप इसमें लगाइए एंड आराम से देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हम उनको सॉल्व करते हैं, एंड देन चेक बॉक्स में टिक लगा दीजिएगा। देन नेक्स्ट टारगेट आइए, यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। अगेन आपको इसकी ट्रिक्स देखनी है। कल आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देख सकते हैं या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं। 1 to 2 hours आपको इसमें लगाना है, बिकॉज आप जब पहले बेसिक कर लेंगे देन आगे आपको प्रैक्टिस ही करनी है, आपको सेम चीज़ें ही प्रैक्टिस करनी होती हैं। और यहाँ पर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैं मान रही हूँ कि आप अभी बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी। तो स्टार्ट रीडिंग द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स, यहाँ से आपका एक बिल्डअप होना शुरू होगा, बिकॉज इसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है, पढ़ने में समझ में भी आ जाती है। तो यहाँ पर आपके 3 टारगेट्स हो गए हैं, इन तीनों में आपके टिक लग जाने चाहिए। तो 5-6 घंटे आपके इसमें लगेंगे एंड देन टेक रेस्ट एंड देन आइए आप मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट आपको लगाना है प्रीवियस ईयर का। टेस्ट बुक पे बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्रीली अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर जाके लगाइए। आपको पता चलेगा कि किस तरीके का पेपर आया था, अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितने आगे जाने की ज़रूरत है, कितना प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे टेस्ट बुक का पास भी ले सकते हैं, बिकॉज यू आर अ बिगिनर, आपको बहुत सारे मॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही कम अमाउंट में इतने सारे मॉक्स प्रोवाइड करता है टेस्ट बुक, तो यू कैन बिल्ड अ गुड फाउंडेशन ऑफ योर सेल्फ एंड यहाँ से आप अपनी स्टडीज़ का ग्राफ बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। तो अभी टेस्ट बुक पे डील ऑफ द मंथ भी चल रही है, तो इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज यू कैन परचेज ईयरली पास एंड यहाँ पर आप कोड लगा सकते हैं TCV टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड अब चलते हैं उन लोगों की तरफ जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनको काफ़ी कुछ आइडिया है। तो आपको भी सबसे पहले मॉक ही देना है, आपको स्टार्ट ही मॉक से करना है। प्रीवियस ईयर मॉक दीजिएगा SBI JA का एंड अपने स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका कितना स्कोर आया है। एंड यहाँ पर हम चलते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको सबसे पहले मेंस पजल की वीडियो देखनी है, कोई भी वीडियो देखिएगा। आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस हैं मेंस लेवल की पजल की, तो आप
रीजनिंग के लिए उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड क्वांट्स में अगेन मेंस डीआई आपको देखनी है, आप परसेंटेज टॉपिक डालिएगा, मेंस डीआई लिखिएगा, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वॉच वन और टू वीडियोस ऑफ डीआई और पज़ल। एंड आपको क्या करना है, वीडियो चलानी है एंड उसमें जब पज़ल आती है तो आपको पहले खुद बनानी है, देन आपको सोल्यूशन देखना है। वीडियो सोल्यूशन पर आपको नहीं जाना है आगे, सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, आधा घंटा एक घंटा जितना भी टाइम लग रहा है लगने दो, बिकॉज वो आपके बेसिक्स को ही चेक करता है। एंड देन यहां पर आपको टिक लगाना है। तो अब आ जाते हैं इंग्लिश में, तो यहां पर आपको एडिटोरियल पढ़ना है द हिंदू का, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग आप ऑलरेडी द हिंदू पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा किस तरीके से पढ़ना है। एंड देन यहाँ पर जीए आपको नहीं भूलनी है, बिकॉज जीए ने पिछले साल बहुत तबाही मचाई हुई थी, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, इसको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। लास्ट मिनट पे अगर आप जीए उठाएंगे तो ऑब्वियसली आप इतना सारा डेटा अपने माइंड में कैसे फीड कर पाएंगे, तो आपको डेली जीए उठानी है, आपको अपनी कॉपी बनानी है या फिर आप अपना कोई भी पेज ले सकते हैं, कोई भी डायरी ले सकते हैं, आपको सिर्फ अपने टारगेट्स लिखने हैं। इनके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप वो टारगेट भी लिखिए, चेक बॉक्स में आपको टिक लगा देना है। यकीन मानिए जब आप रात में ये देखेंगे ना कि आपने सारे चेक बॉक्स पर टिक लगा लिया है, तो आपको नींद भी बहुत सुकून की आने वाली है। एंड एक चीज़ और जो मैंने आपको सजेस्ट किया था, प्लानर लाइक दिस, तो ये आप अप्रैल मंथ का प्लानर ज़रूर बनाइएगा, तो मैंने तो बना लिया है। और यहाँ पर आपको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर लिखने हैं, जो भी आप मॉक दे रहे हैं मॉक की हेडिंग डालिए और वहाँ पर आप परसेंटाइल लिख दीजिए अपना, तो इससे क्या होगा आपको ट्रैक बना रहेगा। और इस पेपर को आप या तो अपने कंप्यूटर टेबल के आगे लगा सकते हैं या फिर आप जो भी आपकी स्टडी टेबल है उसके आगे लगा दीजिए, ताकि आपको एक ग्राफ दिखता रहे कि अभी आप कहाँ चल रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने बनाया भी है, मुझे पिक्चर्स भी शेयर करी हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग वीडियो सिर्फ ऐसे ही देखते नहीं हैं, आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो हेल्प आपकी हो रही है। एंड इसके अलावा कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि हम रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूँगी। अगर आप रीडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक से स्टार्ट करें, तो अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है या पढ़ भी ली है देन अगेन रीड इट आउट, ये बुक बहुत ही अच्छी है। बुक विल गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर ड्रीम, फिल्ड विथ सो मैनी मोटिवेशनल कोट्स, सो मैनी लाइफ चेंजिंग टिप्स, बहुत ही शानदार। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये आपके टारगेट्स हो गए हैं, एंड अब आपका टारगेट मिलेगा आपको कल। एंड 10 to 15 वीडियोस में आई विल मेक श्योर कि मैं सारा कंप्लीट कर दूं। और जब भी आप दोबारा टू डू लिस्ट देखें तो आपको बार बार टू डू लिस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, आप 15 दिन में सारे टॉपिक्स कवर कर लें। एंड देन हम शिफ्ट हो जाएंगे मॉक टेस्ट पे, बिकॉज मॉक टेस्ट को आपको बेस्ट फ्रेंड बनाना है। जब तक आप मॉक टेस्ट से डरते रहेंगे तब तक आपका एग्जाम क्लियर होने में उतना ही टाइम लगेगा। मॉक टेस्ट में बहुत ही प्यारा मटेरियल भी मिल जाता है, तो आपको अलग से मटेरियल सर्च करने की भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसमें जितना भी होगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँ, सो दैट आपको अलग से मटेरियल ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ज़रूर बताइएगा कि आपके मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं, कल के टू डू लिस्ट के लिए तैयार रहिएगा, जब तक ये सारे चेकबॉक्स आपके टिक हो जाने चाहिए। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।